आप देख रहे हैं जनमत आवाज। प्रशासन पंगू, बुरहानपुर जिले में 5 जुलाई को मूसलधार वर्षा के चलते टैक्सो पाइप एंड प्रोडक्ट के सामने नाला तूफान पर था, जिसके चलते 3 घंटे से ज़्यादा यातायात बाधित हो गया, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र को जाने वाले वाहन बाधित हो गए थे। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी भी इस बीच में पानी फंस गई, जिसे राहगीरों ने धक्का देकर पार लगाया था। तो वही शनिवार में एम्बुलेंस फंस गई, जिसके चलते मरीज की हालत और ख़राब हो गई थी। यह प्रशासन बारिश के चलते कुछ नहीं कर पाता, या कहे प्रशासन पंगु हो चुका है, जिसके कारण अब समाज सेवकों को सामने आकर नाले की सफाई करना पड़ रही है। बुरहानपुर जिले में पहली बारिश में ही सभी नाले तूफान पर थे, जिसमें मुख्य रूप से टैक्सो पाइप के सामने नाला तूफान पर होने के कारण लोगों को मोटरसाइकिल तक डूब चुकी थी, और जब इस पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँची तो वहाँ भी फंस चुकी थी, जिससे वही राहगीरों ने इसे धक्का देकर निकाला। यही नहीं, शनिवारा में नाला भरने के कारण एम्बुलेंस फंस गई, जिससे मरीज की हालत और ख़राब होने के लगी। उसके बाजू जिला प्रशासन पंगू बन बैठा हुआ था, जिसके चलते समाज सेवी बुरहानपुर में साफ सफाई जिम्मा उठाया, और इसी श्रृंखला में टैक्सो पाइप एंड प्रोडक्ट्स के संचालक संजय अग्रवाल ने के पहल की। वही कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने आरोप लगाया कि ये भाजपा के नेता घर घर तक पानी पहुँचाने का तो जो संकल्प लिया था वही नहीं कर पाए, लेकिन नालियों गटरों का पानी उनके घरों को दुकान तक जरूर पहुँचा दिया है। नालों की सफाई में गहरा भ्रष्टाचार हुआ है। यदि परिषद की बैठक पूर्व में बुला लिया होता तो शायद शहर की जनता को ये परेशानी झेलना नहीं पड़ती। वही टैक्सो पाइप पुलिस के कर्मचारी स्वयं खर्चे पर नाले का साफ सफाई करना बता रहे हैं। वही एडीएम शंकरा सिंगारे का कहना है कि बारिश इतनी जोरों पर थी कि 15-20 मिनट में ही सड़कें भर गई, बात स्वीकार हुई, और यह भी कहा कि नगर निगम के निर्देश करेंगे, किंतु संसाधनों की कमी के चलते इस तरफ जनता की परेशानी हुई है। वही यदि किसी भी जनता का नुकसान हुआ है तो धारा 4-6 के तहत सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा। आइए देखते हैं। पूर्व महापौर और वाजपेयियों ने संकल्प लिया था कि बुरहानपुर की जनता के मटके में माँ ताप्ती का पानी आ जाएगा। माँ ताप्ती का पानी तो ये झूठे फोटोबाज नेता ला नहीं पाए, बाकी शहर की जनता के पास में नालियों का गटरों का पानी उनके घरों में और उनके दुकानों में आ गया है। यही भाजपा का विकास है, और ये सिर्फ भाजपा की झूठ विकास की पोल खोलने का काम ये शहर का बीचों बीच का मार्केट कर रहा है, और पूरे शहर की जनता इससे हाल बेहाल है। नाला सफाई का दावा किया जा रहा है, क्या सही है दावा? सिर्फ नाले सफाई के नाम पर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस पार्षद दल ने, कांग्रेस पार्टी ने कमिश्नर महोदय से लेकर तो कलेक्टर महोदय तक सभी से निवेदन किया कि आप नाले सफाई कराएं, नहीं शहर की जनता परेशान हो जाएगी, घरों में पानी घुसेगा, जनहानि होगी। इन्होंने नहीं किया और इसका प्रतिफल मिल गया। मीटिंग तक परिषद की नहीं बुलाई, परिषद सम्मेलन हो जाता तो शायद अधिकारियों के कान खुल जाते और जनता को जो परेशानी हुई है वो नहीं होना पड़ती। परिषद हूँ, मेरा नाम आफ्ताब सलीम है, मैं टैक्सो पाइप्स एंड प्रोडक्ट लिमिटेड बुरहानपुर का जो है तो एम्प्लॉय हूँ। और ये जो नाला जो कल 5 जुलाई 2023 को बहुत भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा नाला चौकअप हो गया था और शहरवासियों को बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पे आवागमन कम से कम 3 से 4 घंटे कल बंद रहा, तो उसको देखते हमारे MD सर संजय कुमार अग्रवाल सर के आदेश अनुसार हम इस नाले को एक समाज सेवा के लिए इसको साफ करवा रहे हैं। हमारे ही जो है तो टैक्सो पाइप प्रोडक्ट के सौजन्य से JCB और जो है तो हमारे जो है तो ट्रैक्टर को लगा के हम चाहते हैं भाई नाला अगर साफ रहेगा तो यहाँ से जो है तो महाराष्ट्र की जो अपने को लिंक मिलती है बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग पूरा नाला साफ करवा रहे हैं। मेरा नाम आफ्ताब सलीम और मैं टैक्सो पाइप्स एंड प्रोडक्ट लिमिटेड का एम्प्लॉय हूँ, और MD सर के द्वारा ये पूरा काम किया जा रहे हैं। समाज वर्षा और अचानक तेज वर्षा होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वर्षा सामान्य वर्षा के लिए तो सहन क्षमता है, परंतु कल की स्थिति यह है कि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है 3 इंच बारिश हुई है, तो अधिक वर्षा होने पर तो स्थिति कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की हो सकती है। फिर भी उसके लिए नगर निगम प्रयास करेगा, और इसके लिए जो है रात को ही कलेक्टर महोदय ने निर्देश भी दिए थे, रात को पूरी टीम भी पहुंची थी, परंतु आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए तो हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो RBC 6-4 में प्रावधान है, और सर्वे करके सहायता दी जाएगी।